आकाश इस वक्त व्यस्त है, कृपया लाइन से संपर्क बनाए रखें। माफ कीजिएगा, आकाश अभी भी व्यस्त है, कृपया कुछ देर बाद कॉल कीजिए। सो हे गाइस, आज के न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने बीएसएनएल सिम पे कैसे बिल्कुल फ्री में अपने नेम का ट्यून लगा सको। जी हाँ, अगर आपके पास बीएसएनएल सिम है, आप चाहते हो अपने नेम का बीएसएनएल कॉलर ट्यून लगाना, तो इस वीडियो आपके लिए 100% सही होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना है। मैं आप लोगों को 100% वर्किंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ कैसे आप अपने नेम का बीएसएनएल कॉलर ट्यून लगा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन देखने को मिल रहा होगा, वो दबा के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, आपको करना क्या है, अपने नेम पे बीएसएनएल ट्यून लगाने के लिए यानी बीजी ट्यून, तो उसके लिए आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होता है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। तो इसमें आपको बीएसएनएल कॉलर ट्यून टाइप करना है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर करें गाइज, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो। बीएसएनएल कॉलर ट्यून टाइप करके इसको मैं सर्च करूँगा और इस पर देखिए आपको टॉप वन पे आपको बीएसएनएल आरवीटी इसको क्लिक करना है। इसको जैसे क्लिक करोगे बीएसएनएल का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें एक सेक्शन मिलता है जिसमें सॉन्ग, एल्बम, उसके बाद बहुत सारे कोड नंबर, नेम ट्यून, इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, और उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे देखिए आपको शेयर योर नेम ट्यून का ऑप्शन आएगा और साइड में गो का, और इसमें देखिए लैंग्वेज, जो भी आप ट्यून चाहते हो यानी हिंदी, मराठी, जो भी लैंग्वेज में अच्छा आते हो, तो मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको देखिए इस तरह से अगर आता है तो आपको नेम ट्यून पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको शेयर योर नेम, इसमें आपका नेम क्लिक टाइप करना है, जैसे कि मैं आकाश टाइप कर देता हूँ। उसके बाद गो पे क्लिक करना है और आपका नाम पे अगर बीजी ट्यून है आ जाएंगे, ये देखिए आ चुके आकाश। साइट पे देखिए आप लोगों को बीएसएनएल नेम ट्यून, इसमें कोड नंबर, प्ले करने का ऑप्शन है। तो चलिए मैं प्ले करके सुनाऊंगा कैसे ये आपके नाम पे सुनाई देगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग आकाश, प्लीज होल्ड द लाइन। आकाश को कॉल करने के लिए धन्यवाद, कृपया लाइन पे बने रहें। आकाश इज बिजी, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आकाश इस वक्त व्यस्त है, कृपया लाइन से संपर्क बनाए रखें। माफ कीजिएगा, आकाश अभी भी व्यस्त है, कृपया कुछ देर बाद कॉल कीजिए। तो गाइस सुन लिया, कुछ इस तरह से प्ले होगा यानी इस तरह से सुनाई देगा। अगर आपके नाम दूसरा है, प्रदीप है या विनोद है, तो उसका नाम विनोद लगेगा। तो सेट करने के लिए सेट ट्यून पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें वन टाइम पासवर्ड यानी आपका जो भी बीएसएनएल नंबर है इसमें इंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। उसमें एक ओटीपी आएगा और ओटीपी का कंफर्म करके भेज देना है, आपके नंबर में बिल्कुल फ्री में सेट हो जाए। लेकिन याद रखना है, आपके बीएसएनएल नंबर पे जियो या एयरटेल की तरह 199 या 399 का जो भी पैक रहता है एक दो महीने का, वो रिचार्ज होना चाहिए। अगर सिर्फ अगर टॉप अप रिचार्ज है आपके पास तो पैसा मांगेगा, तो ध्यान रखना है सही जो प्रोसेस है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये ट्रिक्स फॉलो करके आप अपने बीएसएनएल नंबर में आसानी से अपना नेम ट्यून लगा सकते हो यानी कॉलर ट्यून, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो आप इस ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। अगर आपका नेम पे बीएसएनएल ट्यून है तो ऑब्वियसली आपको सेट करने को मिल जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कुछ परसेंटेज लोगों का नाम पे बीएसएनएल नेम ट्यून नहीं होते हैं, तो आप अपना नेम टाइप कीजिए, पता चल जाएगा। अगर आपका नाम पे है तो ऑब्वियसली आप लगा सकते हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, आपका नेम पे है या नहीं, अगर हुआ तो आप लोग सेट कर पाए या नहीं, तो कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों को सारी कमेंट पिन करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक।